आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अगला अध्याय, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं। यह एक कविता है। यह कविता आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 8वां अध्याय है। इस कविता की कवयित्री जया जादवानी जी हैं। इस कविता में कवयित्री ने आशावादी और सकारात्मक विचार प्रकट किए हैं। वो अपने विचारों द्वारा कवयित्री अपने आशावादी विचारों द्वारा मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है। कवयित्री कहती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए। हमें उन सब का साहस के साथ सामना करना चाहिए। समय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए कि हाँ, जो हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, हम उनको आसानी से हिम्मत के साथ पार करेंगे या दूर करेंगे। आगे हम कविता पढ़ते हैं। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री क्या कहना चाहती है कि जब इसमें कवयित्री ने एक चिड़िया का उदाहरण दिया है, चिड़िया के उदाहरण द्वारा वह लोगों को समझाना चाहती है कि जब तक चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात जब तक चिड़िया को खाने के लिए दाना मिल रहा है और रहने के लिए जगह मिल रही है, तब तक जीवन का कठिन समय नहीं आ सकता है। ठीक है, कठिन समय वह होता है जब लोगों को जीवन जीने के अवसर न मिले। ठीक है, अगर चिड़िया को अभी तक दाना प्राप्त है, उसकी चोंच में तिनका है, तिनकों के द्वारा वह अपने आप को गर्मी सर्दी बारिश से बचा सकती है घोंसला बनाकर, यानी उसके जीवन में अभी तक साहस जिंदा है। तो जब छोटी सी चिड़िया इतना साहस दिखा सकती है, तो मनुष्य हार कैसे मान सकता है। यह दिखाना कवयित्री का या मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कवयित्री कहती है कि कठिन समय वह होता है जब लोगों को जीवन जीने के अवसर न मिले हो। ठीक है, इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को भी जब जीवन कठिनाई से व्यतीत करना पड़े, तब हम उस समय को कठिन समय कह सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी इच्छा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए स्वतंत्र हैं, तब तक हम उस समय को कठिन समय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार चिड़िया भी चोंच में तिनका लेकर स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की तैयारी में है। आगे हम देखते, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है, कवयित्री यह बताना चाहती है कि जो भी गतिविधियां हैं हमारे जीवन की, वो सामान्य गति से चल रही हैं। गति का मतलब क्या होता है, रफ्तार, सामान्य गति से चल रही हैं। तो जब तक हमारे जीवन की गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हो, हम उस समय को कठिन समय नहीं कह सकते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या कहती है कवयित्री कि अभी पेड़ों से झड़ती झड़ने वाली पत्तियों को थाम लेने वाले हाथ विद्यमान है। विद्यमान मतलब मौजूद है। ठीक है, मौजूद है, अर्थात समाज में जो असहाय और दुखी व्यक्ति हैं, उन लोगों की
सहायता करने के लिए अभी भी दयावान लोग मौजूद हैं। दयावान लोग मौजूद हैं और जब तक समाज में ये दया भाव मौजूद है तब तक हम उस समय को कठिन समय नहीं कह सकते हैं। आगे क्या कहती है कवियत्री कि अभी भी स्टेशन पर खूब भीड़ जमा है, अभी भी रेलगाड़ियां निश्चित समय पर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। गंतव्य क्या होता है? गंतव्य वह स्थान जहां हमें पहुंचना हो, उसको गंतव्य कहा जाता है। ठीक है, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि अब सूर्य छिपने वाला है। तो जब तक आपकी प्रतीक्षा करने वाला कोई विद्यमान है, मौजूद है, तब तक हम उस समय को कठिन समय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात अभी तक सभी लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, इसलिए यह समय कठिन समय नहीं है। आगे है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवियत्री बताना चाहती है कि हमें अपने जीवन में सदा आशावादी रहना चाहिए तथा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवियत्री कहती है कि अभी भी अतीत की उस कहानी का अंतिम भाग, जो अतीत की कहानियां हैं, जो कहानियां हमने अपने दादा नानी से सुनी है, आज भी बच्चों को वो कहानियां अपने बूढ़ी पीढ़ी से सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, अर्थात कि समाज जीवन और समाज के संबंध, परिवार का मिलजुल कर रहना, छोटों का बड़ों के प्रति प्यार, बड़ों का छोटों के प्रति प्यार, आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है जो वर्षों पहले था। ठीक है, तो जब तक आपसी भाईचारा प्रेम भाव जिंदा है तब तक हम उस समय को मुश्किल समय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कवियत्री आगे बताती है कि अभी आएगी अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से एक बस, वह बस अंतरिक्ष के पार बचे हुए लोगों का समाचार लेकर आएगी जो कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, आज भी बच्चों को वो अंतरिक्ष की कहानियाँ लुभाती हैं मतलब अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, दादी नानी जब उनको अंतरिक्ष के पार की कहानियाँ सुनाती हैं और बताती हैं कि वहाँ अंतरिक्ष के पार जो लोग रहते हैं वो बस में बैठकर हमसे मिलने आएंगे, तो जब तक इन काल्पनिक कहानियों पर बच्चे विश्वास कर रहे हैं, अर्थात जब तक लोगों में विश्वास जिंदा है तब तक वह समय कठिन समय नहीं हो सकता है। इस प्रकार कवियत्री बताना चाहती है कि ये सारी बातें इस बात की गवाह हैं, ठीक है, सबूत हैं कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है, आज भी जीवन में आशा और विश्वास कायम है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जीवन में कठिनाइयां हर समय पर रही हैं और लोगों ने उन पर हर समय विजय प्राप्त की है, इसलिए कहा जा सकता है कि यह समय सबसे कठिन समय नहीं है। अतः हमें भी आशावादी बने रहकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इस कविता में कवियत्री ने अपने काल्पनिक अनुभवों को
अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है तथा लोगों को आशावादी दृष्टिकोण रखने की शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है। हमें अच्छा समय अपने लिए खुद बनाना चाहिए। हमें यह सोचकर जीना चाहिए कि वर्तमान समय सबसे बुरा समय नहीं है। ये थी हमारी आज की कविता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।